एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य निर्माण के लिए जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी पार्टियां बनी, वो सारे बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और ये कहीं ना कहीं जेपीएससी के प्रीलिम्स में इसमें से कुछ सवाल आने वाले हैं। और ये जो सवाल आते हैं बड़ा बहुत ही फैक्चुअल सवाल आते हैं, इसलिए इसका फैक्ट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फैक्ट्स जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें इसे बहुत ही विस्तृत पूर्वक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें बेसिक जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं वो स्थापित किस वर्ष में हुए थे, उस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सारे सवाल रहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार नज़र डालते हैं कि किस प्रकार झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है चला था, किस तरह से ये शुरू हुआ और कब जाके ये ख़त्म हुआ, उसके बीच में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो सबसे पहले 1912 में हुआ था और अंतिम 2000 ईस्वी में जाके ये ख़त्म हुआ, जब झारखंड राज्य अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो उस बीच में यानी 1912 से लेकर 2000 के बीच में इतना लंबा समय तक झारखंड राज्य का आंदोलन के लिए, झारखंड राज्य का निर्माण के लिए काफ़ी आंदोलन हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ढाका विद्यार्थी परिषद जो है वो सबसे पहले 1912 में, 1912 के पहले ढाका में हुआ था। ढाका विद्यार्थी परिषद का आयोजन हुआ था, जहाँ पर छोटा नागपुर के एक के.जे. बार्थोलोमे नामक व्यक्ति ने भी इस परिषद में हिस्सा लिए थे। और उस हिस्सा में लेने के बाद वह रांची आकर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 में इसका स्थापना किए, के.जे. बार्थोलोमेन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 में। बाद में क्या होता है, के.जे. बार्थोलोमेन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का था, और उसमें जितने भी मेंबर्स होते थे वे कहीं ना कहीं सभी बेरोजगार होते थे। मतलब कोई कार्य, मतलब सरकारी नौकरी में वो लोग नहीं होते हैं। अगर किन्हीं को सरकारी नौकरी मिल जाता है तो वो स्वेच्छापूर्वक या उन्हें उस पार्टी से निकाल दिया जाता था, ऐसा नियम था। तो ऐसा होता है कि के.जे. बार्थोलोमेन को शिक्षक की जब नौकरी मिल जाती है तब उन्हें उस संस्था से निकाल दिया जाता है, या फिर वो अपने से निकल जाते हैं। और बाद में वही पार्टी का नाम बदल कर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में उसका नाम रखा जाता है, और उसका संस्थापन उस समय जुएल लकड़ा को बनाया जाता है। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब होता है, 1915 में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, जुएल लकड़ा। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम पुनः 1930 में बदलकर उसका नाम रख दिया जाता है किसान सभा, और जिसका अध्यक्ष बनाया जाता है ठेबले उड़ाव को अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये इसलिए बनता है क्योंकि छोटा नागपुर उन्नति समाज में बहुत सारे नेता हो के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं, और आपसी मतभेद हो जाने के कारण किसान महासभा 1930 में इसका स्थापना किया जाता है ठेबले उड़ाव के नेतृत्व में। उसके बाद बहुत सारे, सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा नागपुर उन्नत समाज हो, किसान सभा हो, ये सभी गठन जितने भी हो, जितने भी पार्टियाँ बनी, सभी में आदिवासियों को स्पेशल, मतलब आदिवासियों का ही कहीं ना कहीं ये पार्टी बनकर रह जा रहा था। बाकी जो सदान हो या जो बाकी जो अन्य लोग थे उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें ये किया जा रहा था, मतलब उन्हें उतना ज़्यादा नहीं दिया जा रहा था सम्मान, जिसके लिए कैथोलिक समुदाय के लोगों ने किसी भी पार्टी में जब उन्हें स्थान नहीं दिया गया तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया जाता है 1933 में, और जिसमें बेनिफेस लकड़ा को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना करने का सबसे पीछे कारण यही है, क्योंकि इन लोगों को किसी भी पार्टी में स्थान नहीं दिया जा रहा था। बाद में फिर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना किया जाता है, जिसमें थियोडोर सुरीन को अध्यक्ष बनाया जाता है, और जिसके साथ में बंदीराव उरांव और अन्य कई महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किया जाता है। और यहीं से जयपाल सिंह का झारखंड निर्माण आंदोलन में यहाँ से प्रवेश होता है। उन्हें कहा जाता है कि आप इस
आप इस किसी एक आदिवासी महासभा के किसी एक सभा में उन्हें अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और उसी क्रम में वो पूर्ण रूपेण जुड़ जाते हैं। और जब वो पूर्ण रूपेण जुड़ जाते हैं तो उन्होंने एक अपना अलग पार्टी बनाया जिसका नाम झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 1950 से 63 ईस्वी के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा 1950 से लेकर 1963 के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, काफ़ी ज़्यादा झारखंड निर्माण के आंदोलन में बहुत सारे काम हुए। आदिवासी महासभा का नाम बदल कर ही झारखंड पार्टी का नाम रखा गया और इस जिसका अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया। और इसमें जयप्रकाश जो है जयप्रकाश नारायण का इस पार्टी में बहुत ज़्यादा समर्थन था, जबकि जवाहरलाल नेहरू का इस पार्टी में समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। और बाद में क्या होता है कि झारखंड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन को ले जा रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है कि झारखंड पार्टी को कांग्रेस में कहीं ना कहीं विलय कर दिया जाता है या फिर विलय कर देता है, जिसके कारण ये जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मंद पड़ जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय तक कांग्रेस को अलग करने के पक्ष में नहीं थे, जिस कारण से ये उद्देश्य कहीं ना कहीं मंद पड़ जाता है और बाद में जयपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है रुक जाता है और ये आंदोलन धीरे धीरे बिखर जाता है। और यही बिखराव का दौर 1963 से लेकर 1973 तक लगभग 10 साल तक ये बिखरा ही रहा। इस बीच में बहुत सारे छोटे छोटे दल जैसे बिरसा सेवा दल, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी आदि अन्य बहुत सारे छोटे छोटे दल आए, लेकिन जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन बना था उस उद्देश्य में वो लोग खड़े नहीं उतर पाए। और इसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में एक फिर से एक पार्टी का गठन हुआ, जो 4 फरवरी 1973 को गोल्फ मैदान धनबाद में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके राय के नेतृत्व में इस पार्टी का झारखंड गठन में एक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी ने झारखंड गठन में झारखंड निर्माण में एक संजीवनी का काम किया। 1980 में इन्होंने 13 सीटें जीतकर पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किया और यहीं से झारखंड निर्माण का जो आंदोलन का जो गति है वो गति प्राप्त की। इसी दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 22 जून 1986 सोनारी में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देखा कि इस आंदोलन में हमें छात्रों को जोड़ना होगा और छात्रों को जोड़ने के उद्देश्य से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया गया, जिसे आजसू कहा जाता है, और इस ये सूर्य सिंह बेसराव के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद एक और कमेटी होता है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC, जिसका सम्मेलन में भारत के बड़े बड़े प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी ने भाग लिया, जिसमें भाजपा से लाल कृष्ण आडवाणी ने संबोधित किया। और इस पार्टी में इस सम्मेलन में बहुत हद तक सभी को समझ में आ गया था कि झारखंड का जो निर्माण है, झारखंड राज्य का अलग से जो निर्माण है, उसका आंदोलन ने किस प्रकार से गति पकड़ ली है। उसके बाद झारखंड मैटर्स कमेटी का निर्माण होता है 7 जून 1989 में, जहां पर बिहार सरकार और झारखंड के कुछ नेता दिल्ली में गृह मंत्री बूटा सिंह के अध्यक्षता में एक वार्ता होती है और उस वार्ता में एक प्रस्ताव रखा जाता है बिहार विधानसभा में कि अब बिहार स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक बिल बनाया जाता है और वो बिल बिहार विधानसभा में उसको पारित किया जाता है, लेकिन उसमें जो राजद है उस समय तत्कालीन राजद पार्टी, लालू यादव की पार्टी वहाँ पर सत्ता में रहती है, जिन्हें बहुमत का अभाव होता है, बहुमत उन्हें नहीं मिलता है और वह विधानसभा में राजद का बहुमत नहीं होने के कारण बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हो जाता है बिहार विधानसभा में, पुनः वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और बाद में राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा उसे सहमति दे दिया जाता है और फिर भारत सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो ये इतने सारे चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं झारखंड का निर्माण हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोगों को बता सकूं कि किस प्रकार से झारखंड निर्माण में, आंदोलन में किस प्रकार से विभिन्न लोगों का अपना अपना सहभागिता, अपना अपना नेतृत्व दिए और तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा झारखंड अलग हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें
और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।